विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इसमें बताना है कौन सा सही है। पहला है अ टेबल और अ रिलेशन इज इटसेल्फ अ कलेक्शन ऑफ ट्यूपल्स। पहली चीज ये हो गई, ईच टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ ट्यूपल्स दैट आर सिमिलरली शेप्ड। दूसरी बात ये हो गई, एन एट्रीब्यूट इज अ नेम्ड फील्ड ऑफ अ ट्यूपल विथ विच ईच ट्यूपल एसोसिएट्स अ वैल्यू, द ट्यूपल्स एट्रीब्यूट वैल्यू। और फाइनली है ऑल ऑफ द अबव। अब क्या लगता है, क्या सही है इसका उत्तर, कौन सा ट्राई ट्रू है इसमें? बिल्कुल सही सोचा आपने, सारे के सारे सही है, सारे सही है इसमें। कैसे? इससे पहले कि मैं आपको एक्चुअल इसका डिस्कशन करूं, पहले ये समझ लीजिए कि ये आपका एक टेबल होता है, ठीक है जी। टेबल में आपके रोज होंगे और कॉलम्स होंगे। तो जैसे मैंने आपको यहां बनाया, यहां पर तीन रोज हो गई, एक दो तीन, मैंने कॉलम बना दिए, ये चार कॉलम हो गए, एक दो तीन चार, मतलब ये एक दो तीन चार, ये कॉलम्स हो गए, ये आपके रोज हो गए, एक दो तीन। अब जैसे आप, फॉर एग्जांपल देता हूं कि एक राम है, इसका नाम हमने लिख दिया। अब राम की एज हो गई मान लीजिए 25, राम का जेंडर हो गया मेल, राम का एड्रेस हो गया कुछ एक्स वाई जेड। तो आप देखिएगा कि ये जो मैंने एक रो में कंटेंट लिखा है, इसी को हम ट्यूपल कहते हैं। ये जो ट्यूपल ट्यूपल के बारे में बार बार बात हो रही है, बार बार बात हो रही है, इसी को हम ट्यूपल कहते हैं, ठीक है। इसी को हम रिकॉर्ड कहते हैं। जैसे राम है तो यहां पर आपकी रजनी आ जाएगी, उसकी एज कुछ हो जाएगी 24, ये फीमेल हो जाएंगी, इसकी इनकी एड्रेस हो गया कुछ PQR। तो ये एक दूसरा रिकॉर्ड हो गया। तो कितने रिकॉर्ड हो गए, एक ये रिकॉर्ड, एक दूसरा ये रिकॉर्ड, ये तीसरा यहां कुछ लिख देंगे। तो ये एक ट्यूपल हो गया, ये एक रिकॉर्ड हो गया। तो ट्यूपल और रिकॉर्ड एक ही बात हो गई। टेबल में आता है रो और कॉलम, आपने देख लिया। एट्रीब्यूट का मतलब होता है राम जो है उसका एट्रीब्यूट क्या है, उसकी उम्र है 25 साल, वो उसका एट्रीब्यूट हो गया। वो एक आदमी है, वो इसका एट्रीब्यूट हो गया। रजनी का एट्रीब्यूट हो गया, वो एक औरत है, समझ गया आप। राम का एट्रीब्यूट ये तीनों हो गए, राम के एट्रीब्यूट ये तीनों, रजनी के एट्रीब्यूट ये तीनों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी हम GIS के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम कहते हैं, देखिए साहब ये जो एक पेड़ है ना, इसको पेड़ को नंबर वन दिया हमने, इस पेड़ की हाइट है 14 मीटर, इसका कुछ DBH है और इसकी स्पीशीज हमने बता दी वेस्टर्न हेमकॉक। तो ये जो पूरा एक रो है इसी को हम ट्यूपल कहते हैं, इसी को हम रिकॉर्ड कहते हैं। और ये हमने लिया कैसे है, यहां का एक स्पेशल डेटा, स्पेशल का डेटा, डेटा का मतलब क्या होता है, ऐसा डेटा या ऐसी चीज जो विश्व में कहीं ना कहीं रखी हो या कहीं ना कहीं उसकी लोकेशन हो। तो आप देखिए हर एक डेटा स्पेशल डेटा होता है। कैसे, आप अभी जैसे मैं बैठा हूं, मैं कहीं ना कहीं बैठा हूं ना, आप सुन रहे हैं मान लीजिए वैनकूवर में बैठ के मेरी आवाज, तो आपका लोकेशन, आप भी एक स्पेशल डेटा है, आपका घर एक स्पेशल डेटा है। तो उन सबको रिप्रेजेंट करना डेटाबेस में या फिर GIS में, वही हम टेबल ट्यूपल और रिकॉर्ड के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो एक ट्यूपल क्या हो गया, एक रो हो गया। हर एक जो आपने कंटेंट लिया, जैसे पेड़, एक पेड़ ले लिया, उस पेड़ का एट्रीब्यूट क्या है, जैसे ये जो इसकी हाइट है, DBH है, इसका स्पीशीज है, वो उसके एट्रीब्यूट हो गया, वो हमने यहां लिख दिए, ठीक है जी। और ये रिलेशन क्या हो गया, इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है, मतलब राम और रजनी के बीच में क्या रिलेशन है, इस पेड़ और इस पेड़ के बीच में क्या रिलेशन, देखिए यहीं से बता देता हूं मैं आपको। मान लीजिए हम इसकी बात कर रहे हैं 4 और 5, तो चौथा और पांचवें में रिलेशन ये है कि चौथा जो पेड़ है, ये वाला जो चौथा पेड़ है, ये पांचवें पेड़ से बड़ा है। यहां से पता लग जाएगा ये रिलेशन हो गया इनके बीच, 25 ज्यादा बड़ा है, 20 छोटा है। इनके बीच में रिलेशन क्या है चौथे पांचवें, क्योंकि ये दोनों एक ही स्पीशीज है। एक दो और तीन के बीच में रिलेशन क्या है, ये रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड, या ये ट्यूपल, ये ट्यूपल, ये ट्यूपल के बीच में रिलेशनशिप क्या है कि ये तीनों एक ही स्पीशीज के। आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, किस तरीके से मैं रियल वर्ल्ड को साइंस के साथ रिलेट कर रहा हूं, किस तरीके से मैं GIS को या रिमोट सेंसिंग को एक्चुअली बता रहा हूं कि अंदर क्या हो रहा है। अगर आप GIS के बारे में बात कर रहे हैं, यार होता क्या है यार, क्या कमाल चीज है, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं, अरे आपको कुछ नहीं समझना है, आपको समझना है कि जो रियल वर्ल्ड है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें कंप्यूटर सिस्टम में। टेबल के फॉर्म में करते हैं, नॉन टेबलर फॉर्म में करते हैं। तो टेबल के फॉर्म में अगर करेंगे तो एक इंडिविजुअल रो या रिकॉर्ड एक डेटाबेस टेबल में, उसको हम ट्यूपल कहते हैं, उसी को रिकॉर्ड कहते हैं। तो हर एक ट्यूपल या फिर रिकॉर्ड इस, ये होता है इंफॉर्मेशन, यानी किसकी इंफॉर्मेशन, एक पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन के लिए यहां सारे एट्रीब्यूट, इसको हम मेटा डेटा भी कह सकते हैं।